हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल क्रिस सैमुअल पे। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी होम डेकोर आइडिया और बहुत कम सामान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्वायर्ड मटेरियल है न्यूज़पेपर, फेविकॉल, कलरफुल चार्ट पेपर, थर्माकोल बॉल्स एंड पेंटिंग कलर्स। लेट्स स्टार्ट विद क्रिस सैमुअल। मैं यहाँ सबसे पहले न्यूज़पेपर ले रहा हूँ और हमें इसकी हार्ड स्टिक बनानी है। अब इसके लिए कोई भी पेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। हमें जो है स्टिक को इस तरीके से थोड़ा रोल करना है जिससे कि हमारी स्टिक तो अच्छे तरीके से हार्ड हो सके। इसके बाद फेविकॉल लगाएंगे, देन अच्छे से फैला देंगे। लेट्स रोल। एक्स्ट्रा जो हमारा पार्ट है इस तरीके का कट करके हटा देंगे। पेंटिंग कलर की मदद से स्टिक को कलर कर लेंगे लाइक दिस। लेट्स मेक अ सर्कल। Let's remove the one part of the circle. Like this. Like this. Make more one in different colors. I use thermocol balls. Add some fevicol in the center of the cone and apply one thermocol ball like this. Make all one देखें, मैंने जो यहाँ सभी को थर्माकोल का बॉल लगा के कंप्लीट कर लिया है। हम इन्हें साइड में रख देंगे। मैं यहाँ ग्रीन कलर का क्राफ्ट पेपर ले रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये होममेड शीट है। इस पर हम एक लीफ का शेप ड्रॉ करेंगे एंड देन अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से एक और बना लेंगे। लाइक दिस। मैंने यहाँ स्टिक ली है, इसका जो ये अपर साइड है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फेविकॉल अच्छी तरीके से लगा देंगे एंड एक जो कोण है इसे हम लेकर इसके ऊपर वाली साइड में अच्छी तरीके से लगा देंगे। देख सकते हैं अच्छे से लगा दिया है। एंड देन अब हम साइड पे फेविकॉल अप्लाई करते जाएंगे। एंड हमने जो ये फ्लावर्स बनाए सर्कल शेप से, इन्हें हम अप्लाई करते जाएंगे।
इस मोशन को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको प्री प्रिपेयर्ड यानी पहले से बना हुआ एक दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। इस तरीके से आपको इसमें सभी लगा लेना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। देखिए मैंने यहाँ तीन जो है फ्लावर्स फर्स्ट लाइन में लगाए थे। अब जो ये दो फ्लावर्स है इनके बीच में से नीचे की तरफ हम फेविकॉल लगाएंगे एंड दूसरा वाला फ्लावर यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। आपको जो यहाँ स्टिक दिखती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स ज़बरदस्ती ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ये स्टिक हौश पौश हो जाती है और फिर अच्छी नहीं लगती है, लुक अच्छे से नहीं मिल पाता है। फ्लावर्स का शेप और वेरिएशन भी समझ में नहीं आता है उसके कारण। आप चाहें तो थर्माकोल बॉल की इस पे जगह पे ग्लिटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिंगल कलर थर्माकोल बॉल यूज़ किया है, आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स का भी थर्माकोल बॉल यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में डिफरेंट शेप का भी थर्माकोल बॉल मिल जाता है एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी आता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। लास्ट में अब हम यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा फेविकॉल लगा करके लीफ लगाएंगे, तो लीफ लगाने के पहले आप पेंसिल ले लीजिए और इस पे इसे थोड़ा सा रोल कर लीजिए लाइक दिस। और अब जो है फेविकॉल लगी हुई जगह पे लीफ को अटैच कर दीजिए। इस तरीके से देख सकते हैं, कुछ देर पकड़ के रखेंगे। मैं यहाँ और बना रहा हूँ, इसके लिए ये क्लॉथ सुखाने की पिन है, हम लीव्स पे इसे जो है लगा देंगे। और अब हमें जो हमारी स्टिक से सीधा खड़ा करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे पिंचेस यूज कर रहा हूँ। आपके पास जो भी चीज़ हो, देखिए यहाँ पे एक राउंड शेप है तो इसमें ये हिस्से जो है पकड़ लेगा इस तरीके से। अब हम इसे सूखने तक छोड़ देंगे। फ्रेंड्स अगर थर्माबॉल अरेंज नहीं हो पा रहे हैं और अगर हो गए हैं और वाइट कलर के फ्लावर्स बनाने हैं और वाइट थर्माकोल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो फिक्र की क्या है बात, जब क्रिश है साथ तो आप किसी भी पास की स्टेशनरी से ग्लिटर ले आइए। ग्लिटर चमक या घर में बचा हुआ पुराना रंगोली का रंग भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी दिखाने के लिए नहीं था, नहीं तो मैं अभी आपको शो भी कर देता। अब इसका हमें यूज़ कैसे करना है, तो हमें पहले की तरह फ्लावर के सेंटर में थोड़ा सा फेविकॉल अप्लाई करना है और यहाँ थर्माकोल बॉल की जगह पे थोड़ा सा ग्लिटर डाल देना है, एक्स्ट्रा ग्लिटर निकाल देना है लाइक दिस। एक और बार देख लीजिए, अप्लाई द फेविकॉल, अप्लाई ग्लिटर, रिमूव एक्स्ट्रा, फ्लावर इज रेडी। इस तरीके से आप वाइट वाला फ्लावर भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ शो करने के लिए वाइट कलर का भी फ्लावर बना लिया है लाइक दिस माय फ्रेंड्स। अगर आपको ये फ्लावर्स और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। और अगर आप मेरी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको किसी अन्य आइडिया पे वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कितना सुंदर पॉट यहाँ आप सभी के सामने है।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड नीचे कमेंट करना कभी ना भूलें।